सब्सक्राइब कीजिए टिक ब्यास चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टिक ब्यास में। दोस्तों, मैं ब्यास मुनि सिंह लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल के टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में। जैसा कि दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का जो की होता है, इसका शॉर्टकट की कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑन ए शीट व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। कह रहा है कि जब आप अपने एक्सेल शीट में किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उस टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की प्रेस करते हैं, तो सभी ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं, हमने एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार को अगर प्रेस करते हैं, तो देखिए सभी ऑब्जेक्ट एक साथ जो हैं एक्सेल में वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। दूसरा ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी एक सेल को आप सेलेक्ट किए हैं और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की अगर प्रेस करते हैं, तो उस शीट के सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहेंगे, आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।